हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने हेल्थ एंड ब्यूटी एस्टेक सीक्रेट इंडियन हीलिंग क्ले, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल फेशियल क्ले के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आप देख सकते हो, इसकी एमआरपी है 440 का है ये। एंड आप इसको अप एंड डाउन रेट में इसको सेल में ले सकते हो। ये आपको हर जगह मिल जाएगा, लाइक अमेजोन, नाइका एंड एस्टेक की आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी इसको परचेस कर सकते हो। ये 100% कैल्शियम बेंटोनाइट क्ले है। तो ये बेंटोनाइट क्ले एक बहुत ही मुलायम बारीक पाउडर होता है। मोस्टली ये ज्वालामुखी के राख से बनता है एंड इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलता है कि इसमें निगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज होता है, जिससे आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं वो एकदम डीपली जाके रिमूव होते हैं। आपके स्किन से ये डर्ट एंड ऑयल को क्लीन करता है, आपके पोर्स से सारी गंदगी को हटा के स्किन को एकदम क्लींस क्लीन एंड क्लियर रखता है। आपके स्किन को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे आपके एक्ने भी ड्राई होने लगते हैं, धीरे धीरे ब्लेमिश ठीक होते हैं। आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को ऑयल फ्री बिल्कुल मैट लुक देता है एंड पोर्स को ये मिनिमाइज करता है। ये 100% नेचुरल, फ्रेग्रेंस फ्री, नो एनिमल टेस्टिंग, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। आप इसको परचेस कर सकते हो। ये बहुत अच्छी क्ले है, आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार यूज़ करनी है एंड धीरे धीरे आप इसको जैसे यूज़ करते जाओगे इसके बेनिफिट आपको मिलते जाएंगे। अब मैं दिखाती हूँ आपको लाइक इस टाइप का थोड़ा सा ग्रेस पाउडर है एंड ये देखिए आप, जैसे महीन होता है, बहुत फाइन पाउडर है, बहुत अच्छा। अब इसको बनाना कैसे है एंड आपको एक कांच का बोल है, मैं प्रेफर आपको कांच का ही बोल करूँगी, बाकी आप अपनी पसंद का कोई सा भी आप ले सकते हो। एंड इसको मिक्स कैसे करना है, आपको लेना है ये हेल्थ एंड ब्यूटीज एस्टिक सीक्रेट का इंडियन हीलिंग विनेगर। आपको ये डीप स्किन आपकी जो क्लींस करता है, इसी से आपकी स्किन जो होती है वो लाइटन होती है एंड ब्राइटन होती है। धीरे धीरे आपकी जो स्किन होती है इवन टोन लगने लग जाती है एंड ये है 100% नेचुरल एप्पल साइडर विनेगर है। ये आपको पता है कि इसको आपको अच्छे से शेक करना है एंड इसमें मिला लेना है और एक अच्छा सा फाइन पाउडर, मतलब पेस्ट बनाना है जिसमें लंग्स ना रहे हैं। अच्छे से आप इसको मिक्स कर लीजिए एंड एक चीज़ और, आप इसको प्लेन वाटर में भी मिक्स कर सकते हो एंड आप इसको रोज़ वाटर में भी मिक्स करते हो। जिसको अगर सूट नहीं करता है तो आप प्लेन वाटर में लगा लो, आपको अच्छे से ये करना है एंड पूरी वीडियो देखिएगा, मैं आपको लगा के दिखाऊंगी एंड क्लीन करके दिखाऊंगी, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपको इसका रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा कि सच में ये बहुत अच्छी सी क्ले है। किसी भी स्किन टाइप लाइक ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन आप इसे लगा सकते हो और वैसे भी मॉनसून में एंड गर्मियों में आपको क्ले ही यूज़ करनी चाहिए, जिससे आपका ऑयल जो है वो कंट्रोल रहे, ना थिक हो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत रनी हो। अगर आप ड्राई स्किन हो बहुत, तो आप अपनी पसंद का कोई सा भी इसमें ऑयल मिला लो, लाइक ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या कोई एसेंशियल ऑयल, जिससे आपको हाइड्रेशन मिले। पेस्ट बन गया है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसको हाफ मैंने लगा लिया है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो एंड आपको फेस पैक ये ऊपर की तरफ ही लगाना है, अच्छे से पूरा थिक एक लेयर लगानी है आपको एंड इसे मेल एंड फीमेल सब लगा सकते हो। इसे आपको 15-20 मिनट्स रखना है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ही अगर सेंसिटिव है तो इसे 5 मिनट रख के धो डालिए एंड अगर तब भी आपको इरिटेशन होती है तो आप इसे तुरंत हटा दीजिए। लाइक अगर इससे रेडनेस या थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन आपको लगती है तो आप आइस क्यूब ले के भी आप इसको डैब डैब करके आप स्किन अपनी टोन कर सकते हो एंड कोई सा भी फेस पैक लगाओ तो आपको टोनर लगाना ज़रूरी है एंड नेक पे ज़रूर अपना प्रोडक्ट आप लगाइए। कुछ भी लगा रहे हैं आप, अगर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं, फेस पैक लगा रहे हैं तब भी एंड मॉनसून में क्ले मास्क बहुत अच्छी रहती है ऑयली स्किन वालों के लिए एंड इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है कई बार, तब मैं आपके सामने इसका रिव्यू लेकर आई हूँ एंड मेरी स्किन ऑयली है। मेरे फैमिली में सभी स्किन टाइप हैं, लाइक ऑयली कॉम्बिनेशन एंड ड्राई, सब ने यूज़ किया है, सबको बहुत पसंद आया है ये एंड जब ये ड्राई होने लगता है तब ये आपको थोड़ा सा खिंचाव महसूस होगा, तो वो नॉर्मल है, हर क्ले मास्क में होता है, आपने नोटिस अगर किया होगा
खिंचाव खिंचाव जैसा लगता है, बट वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है जब आप अपना फेस को वॉश कर लेते हो। इसको 10-15 मिनट्स आप रखिए या 20 मिनट्स भी रख सकते हो। इसे पूरा आपको ड्राई नहीं करना है, आधा वेट एंड आधा ड्राई ही मैं फेस पैक रखती हूँ क्ले मास्क को स्पेशली, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा एकदम ये ड्राई हो जाता है तो छुड़ाने में बहुत दिक्कत होती है। एंड आप मुझे जब तक ये ड्राई हो रहा है आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो एंड मेरा फेसबुक पेज भी आप लाइक कर सकते हो एंड मेरे चैनल को भी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड को टोनर बना मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर हमारे स्किन को धीरे धीरे लाइटन अप भी करता है, दाग धब्बों को दूर करता है। तो सबसे ज़्यादा मैं पहले लूँगी ये रोज़ वाटर, आप ये प्लेन बॉल में ले लो एंड जितना आपको यूज़ करना है उसी हिसाब से, ज़्यादा बना के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैं ये ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, ये आपको बिल्कुल इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, लुक एट दैट, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। एंड इसके बाद मैं आप जब ये वॉश कर लूँगी तब मैं इससे टोन करूँगी। देन उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी आप स्किन केयर कर सकते हो, लाइक नहीं आप इसके बाद आप कोशिश करना कि कोई भी विटामिन सी का एनी अदर प्रोडक्ट मत लगाना, लाइक सीरम आप नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। और अगर आप इसका टोनर यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप अपना स्किन केयर जैसा कर रहे हो कोई सा भी आप स्किन केयर अपना यूज़ कर सकते हो। एंड आप इसको परचेस कर सकते हो, ये बहुत अच्छा है और बहुत आपका चल जाता है, लुक एट दैट, बहुत चल जाता है। मैंने काफ़ी इसको यूज़ कर लिया है एंड मेरे यहाँ सब ने इसको यूज़ करके देखा है, बहुत अच्छी क्ले है। एंड ये ड्राई हो चुका है यहाँ से और मैं आधा ड्राई और आधा वेट रखते हुए बता चुकी हूँ। एंड आपको नॉर्मल पानी से ही इसको वॉश करना, मैं यहीं पर आपको वॉश करके दिखा रही हूँ, वेट कर लेना है। वॉश कर लो और या तो वेट करने के बाद तो हल्की सी मसाज कर लो तो आप इस पॉल से भी हटा सकते हो, लुक एट दैट। एंड धीरे धीरे इसके रेगुलर यूज से आपका जो टैनिंग होती है यहाँ के अराउंड, लुक एट दैट, आप देख रहे हो थोड़ी बहुत होगी मेरी यहाँ, वो क्लीन होने लग जाती है।